नमस्कार दोस्तों, करंट नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। दोस्तों, आज हम 9 फरवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं सीधे क्वेश्चंस को पढ़ूंगा और ऑप्शंस को रेड कलर वाले आंसर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्मृति ईरानी ने इंडिया साइज परियोजना कहाँ लॉन्च की? ए नई दिल्ली में, बी मुंबई में, सी बेंगलोर में। इसका सही आंसर है बी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में दूसरा आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ए गुवाहाटी में, बी मुंबई में या सी नई दिल्ली में। इसका सही आंसर है बी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ऑस्कर नामित कौन से ब्रिटिश एक्टर का निधन हुआ? इसका सही आंसर है अल्बर्ट फिनी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के 13वें सम्मेलन COP का आयोजन कौन सा देश करेगा? ए भारत, बी अमेरिका या सी बांग्लादेश। इसका सही आंसर है ए भारत। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक ने संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए की है? ए 1.6 लाख, बी 1.5 लाख है या सी 2 लाख है। इसका सही आंसर है ए 1.6 लाख। अब इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं? RBI के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, ICAI ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कौन सी कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है इन्वेस्ट इंडिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने कौन से क्षेत्र को डिविजनल स्टेटस दिया है? लद्दाख क्षेत्र को, जम्मू कश्मीर सरकार ने लद्दाख क्षेत्र को डिविजनल स्टेटस दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी इसके इंपॉर्टेंट क्या है? सतपाल मलिक जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कार्यान्वयन और नवाचार के लिए कौन से पुरस्कार की स्थापना की गई है? इसका सही आंसर है PMAYU पुरस्कार की स्थापना की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है? PMAYU पुरस्कार का ओवर लच करने का उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों में टॉप परफॉर्मेंस की पहचान करना, उन्हें पुरस्कृत करना है ताकि दूसरे को प्रतिस्पर्धा और हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में परमाणु टेक 2019 परमाणु ऊर्जा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है ए नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में दो पहिया वाहनों और सेल फोन के स्थान को ट्रैक करने के लिए चेन्नई पुलिस ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? ए डिजिकॉप ऐप को पुलिस ने लॉन्च किया है। इससे हम लोग क्या करेंगे, दो पहिया वाहनों और सेल फोन के स्थान को ट्रैक कर सकते हैं डिजिकॉप ऐप से, जो चेन्नई पुलिस ने लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 11, पाँचवें भारत बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ए नई दिल्ली, बी मुंबई या सी आगरा। इसका सही आंसर है ए नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत अंतर्राष्ट्रीय IP इंडेक्स 2019 में कौन से स्थान पर रहा है? भारत अंतर्राष्ट्रीय IP इंडेक्स 2019 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है ए 36वें स्थान पर। 8 स्थान आगे आकर ये 36वें स्थान पर पहुंचा है, पहले 8 स्थान पीछे था। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? फ्रेंकोइस लोवर्ड को, इस चीज़ को ध्यान रखें, फ्रेंकोइस लोवर्ड को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और मुद्रा CFP फ्रैंक और यूरो चलती है फ्रांस में, ठीक। फादर फ्रेंकोइस लोवर्ड राज के तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें फिल्म कलाकार सत्यजीत रे और अभिनेता
सौमित्र चटर्जी के बाद लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में थाईलैंड में आयोजित EG80 कप में स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका सही आंसर है ए मीराबाई चानू ने, भारोत्तोलक में ये स्वर्ण पदक जीता है 48 किलोग्राम वर्ग में, सॉरी 192 किलोग्राम वर्ग में जीता है 48 किलोग्राम के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले कांग्रेस सदस्य जॉन डिंगल का निधन हुआ, वे कौन से देश के थे? इसका सही आंसर है ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया या सी साउथ अफ्रीका। इसका सही आंसर है ए अमेरिका के। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF फाइल मिल जाएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। नमस्कार दोस्तों।